नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 9 फरवरी। आज का सवाल हमारी 25 बड़ी खबरों में से होगा, तो कृपया करके इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुनिए। तो चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। अखिलेंद्र मिश्रा ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर कही बड़ी बात। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन अब तक भारत के किसी भी राज्य में नहीं किया गया था। बिहार में भी यह पहला आयोजन है, जिसका बिहार के दाऊदनगर में आयोजन किया गया था, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे पर्दे के जाने माने कलाकार अखिलेंद्र मिश्रा। बिहार में जन्मे अखिलेंद्र मिश्रा ने बिहार में पहली बार आयोजित हुए इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यह कहा है कि वर्तमान समय में शिक्षा के साथ साथ कला संस्कृति भी छात्रों के लिए बेहद ही जरूरी और महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही दाऊदनगर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल कराना है इस समय में शहर के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है। बिहार सरकार ने बिहार के 25 लाख किसानों को KCC का लाभ दिलाने की तेज की पहल। बिहार सरकार किसानों के उत्थान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करती आई है। एक बार फिर बिहार सरकार ने किसानों की उन्नति के लिए एक खास कदम उठाने का ऐलान किया है, जिसके तहत बिहार सरकार ने राज्य भर के सभी 25 लाख किसानों को KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड दिलवाने की मुहिम को तेज करने का ऐलान किया है। राज्य स्तरीय बैंकर समिति के 71वें समीक्षा बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने 12 फरवरी से 15 दिन के विशेष कार्यक्रम को चलाने का ऐलान किया है। इस कार्यक्रम के तहत पीएम किसान योजना से जुड़े किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया जाएगा। राजद को अब यादव से ज्यादा भरोसा है अति पिछड़ों पर। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बीते दिन जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा कर दी है, जहां पर जगदानंद सिंह ने 45% आरक्षण अति पिछड़ा वर्ग को दिया है। वहीं इस बार के जिला अध्यक्षों की सूची में यादव समाज के उम्मीदवारों की संख्या में कमी दर्ज की गई है, जिससे अब राजनीतिक बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो गया है। जहां एक ओर अब तक हुए वोटों के समीकरण के अति पिछड़ा समाज के वोटों का झुकाव जदयू की तरफ ज्यादा होता है, मगर इस बात से अवगत होने के बावजूद इस बार राजद ने अति पिछड़े समाज के लोगों को मौका देने पर ज्यादा जोर दिया है। वित्त विभाग के खर्चों पर लगाई जाएगी रोक। बिहार सरकार अब वित्त विभाग द्वारा किए जा रहे खर्चों पर रोक लगाने जा रही है, जिसके तहत बिहार सरकार के वित्त विभाग ने अगले महीने तक 1 करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं करने की अपील की है। इस खबर के बाहर आते ही विपक्षी बयानबाजियां तेज हो गई है, जहां एक और विपक्ष बार बार यह साबित करने में लगा हुआ है कि सरकार का फैसला इसीलिए आया है क्योंकि बिहार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है। वहीं सरकार का यह कहना है कि सरकार का यह फैसला सिर्फ और सिर्फ पैसों की बेवजह खर्चों को रोकने के लिए है। बिहार में बालू कारोबार कर रहे ट्रांसपोर्टरों पर सरकार करेगी नियंत्रण। बिहार के सभी बालू कारोबारी के लिए अहम सूचना। ट्रक और बालू के भार से सड़कों और पुलों को हो रहे नुकसान को देखते हुए अब बिहार सरकार ने बालू से भरे ट्रक के लिए कुछ नियमों को ध्यान में रखने का आदेश दिया है, जिसके तहत बिहार सरकार ने सभी 14 चक्के वाली गाड़ी को बालू की ढुलाई पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही ट्रकों के परिचालन के समय को भी निर्धारित किया है। मिड डे मील की जानकारी नहीं दे रहे हैं स्कूल के प्राचार्य। सभी सरकारी स्कूल में मिड डे मील की सुविधा दी जा रही है या नहीं, इस पर सरकार के अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है। खबरों की माने तो मिड डे मील की देखरेख करने वाले विभाग के बार बार पूछे जाने के बाद भी बिहार के लगभग 30,000 सरकारी स्कूल के अधिकतर प्राचार्य जवाब देना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। इतना ही नहीं, MDM निदेशक द्वारा सभी स्कूलों को प्रतिदिन फोन करने के बावजूद वहां के प्राचार्य विभागों के फोन कॉल का जवाब देना उचित नहीं समझ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक स्थान पर गूंजे तेज प्रताप के बोल। इस चुनावी साल में बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक स्थान नालंदा पहुंचे थे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर जमकर टिप्पणी की, जिसके तहत नालंदा जिले के हरनौत के श्यामनगर गांव पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा कि शिक्षक नियोजन में हुई उलटफेर के बाद 40,000 फाइल की कोई खोज खबर नहीं है, इससे सरकार की असलियत सामने आती है। वैशाली के अभिषेक पुष्करणी में देखने को मिलेगा आपको बहुत कुछ खास। वैशाली संग्रहालय के सामने एक सुंदर झील है या अभिषेक पुष्करणी के रूप में जाना जाता है। फूलों के पेड़ों और झाड़ियों से घिरा जलाशय का पानी पुराने दिनों में पवित्र माना जाता था, और ऐसा माना जाता था कि इस गणराज्य में जब कोई नया शासक निर्वाचित होता था तो उनको यहीं पर अभिषेक करवाया जाता था। अब आइए जानते हैं बिहार की जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे संकर्षण ठाकुर के बारे में। संकर्षण ठाकुर भारतीय प्रिंट पत्रकार है। उनका जन्म 1962 में बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। संकर्षण ठाकुर अपने अभी तक के पत्रकारिता जीवन में MJ अकबर से काफी ज्यादा प्रेरित है, जिसके तहत ठाकुर ने कई वर्षों तक एक पत्रकार के रूप में काम किया। ठाकुर वर्तमान में द टेलीग्राफ के साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने 1985 में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत समाचार पत्र के रोविंग एडिटर के रूप में की थी। वह पहले द इंडियन एक्सप्रेस के एसोसिएट एडिटर थे। ठाकुर ने बिहार और कश्मीर को बड़े पैमाने पर कवर किया है। उन्होंने 2001 में राजनीतिक पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार भी जीता है। बिहार में अंचल कार्यालय में 4,000 कर्मी होंगे बहाल। इस चुनावी साल में बिहार सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिहार के अंचल कार्यालय में जल्द ही लगभग 4,000 कर्मचारियों की बहाली का ऐलान किया है। खबरों की माने तो बिहार सरकार ने यह फैसला अंचल कार्यालय में कामकाज को देखते हुए लिया है। इतना ही नहीं, बिहार सरकार ने इन सभी अधिकारियों की बहाली के साथ साथ मौजूदा अधिकारियों को आदेश जारी करके अंचल कार्यालय में बेहतर व्यवस्था बनाने की अपील की है।
भाई वीरेंद्र ने चुनाव से पहले किया तेजस्वी की जीत का वादा। अभी विधानसभा चुनाव आने में भले ही काफी समय हो, मगर बिहार की राजनीति में अभी से ही विजेता के नाम की गूंज सुनाई देने लगी है। हाल ही में राजद नेता भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर टिप्पणियां की है और कहा है कि तेजस्वी यादव का बनाया गया गेम प्लान इस साल जरूर काम आएगा। तेजस्वी के इस प्लान से नीतीश सरकार के हाथ से कुर्सी का जाना तय है। वहीं पार्टी की अनबन पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी तरह से एकजुट है, पार्टी में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। पटना महावीर मंदिर के दान पात्र में मिले पुराने सिक्के। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1818 में बनाया गया सिक्का हाल ही में महावीर मंदिर के दान पात्र में देखने को मिला, जिसमें भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की तस्वीर बनी हुई है, जिसकी जानकारी महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने दी है। उन्होंने बताया है कि हाल ही में मंदिर का भेंट पत्र खोला गया था, वहीं इन सारे पुराने सिक्कों को देखा गया है। चिराग पासवान ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के किए दावे। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान आजकल भविष्य देखने का सामर्थ्य रख रहे हैं और शायद यही कारण है कि दिल्ली में बीते शनिवार हुए मतदान के परिणाम का अंदाजा उन्होंने पहले ही लगाना शुरू कर दिया, जिसके तहत उन्होंने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा है कि दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में इस बार उन्हें यकीन है कि जीत एनडीए की ही होगी। इसके साथ ही चिराग पासवान ने 11 फरवरी को सरकार बनाने का ऐलान भी कर दिया है। भागलपुर सालों बाद मनाएगा अब अपना स्थापना दिवस। सिल्क के लिए मशहूर माने जाने वाला भागलपुर अब अपने स्थापना दिवस मनाने की तैयारियों में जुटा हुआ है। खबरों की माने तो भागलपुर पूरे 246 साल बाद अपने स्थापना दिवस का आयोजन करवाने जा रहा है। काफी रिसर्च के बाद इस बात का पता लगाया जा सका है कि भागलपुर की स्थापना 1773 को हुई थी और यही वो साल था जब भागलपुर को जिले का दर्जा दिया गया था। एनआईटी पटना के छात्र को मिला 43 लाख का पैकेज। एनआईटी यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के एक छात्र को अब तक का सबसे महंगा पैकेज मिला है, जिसके तहत अमेरिका की एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने एनआईटी पटना में पढ़ रहे कंप्यूटर साइंस के छात्र को 43.17 लाख रुपए का सालाना पैकेज का ऑफर दिया है। हालांकि अभी तक छात्र और कंपनी का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। वही खबरों की माने तो साल 2019-20 की प्लेसमेंट प्रक्रिया समाप्ति की ओर है। पिछले साल की तुलना में इस साल के औसत पैकेज में 65,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक का इजाफा हुआ है। 21 फरवरी से शुरू होगी चिराग की बिहार यात्रा। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सभी पार्टियां बढ़ चढ़कर इस चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए मेहनत में जुटी हुई है। इसी क्रम में लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान भी बिहार में एनडीए की जीत के लिए 21 तारीख से बिहार यात्रा पर रवाना होने का ऐलान किया है और साथ ही 14 अप्रैल तक इस यात्रा को जारी रखने की बात भी कही है। अपनी यात्रा को लेकर चिराग पासवान ने आगे यह कहा है कि यात्रा के आखिरी दिन गांधी मैदान में लोजपा की जनसभा का आयोजन भी किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फिर पूछा सवाल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर सवाल पूछा है, जिसके तहत तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने के वादे का जवाब मांगा है। उन्होंने अपने तंज में कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात तो कराएं, मगर पहले ये बताएं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बजट के दौरान बिहार को मिले फायदे के बारे में भी सवाल किया। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। फिलहाल ठंड से लोगों को धीरे धीरे राहत मिल रही है, ऐसे में आइए जानते हैं सराफा बाजार लोगों को राहत देने का मन बना भी रही है या नहीं। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 8 फरवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 39,660 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 41,680 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 49,900 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 77.1 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 70.3 रुपए प्रति लीटर था। बिहार की मधु सिंह राजपूत की हुई छोटे पर्दे पर एंट्री। बिहार से निकली एक और प्रतिभा अब छोटे पर्दे पर अपनी काबिलियत दिखाने के लिए निकल चुकी है। वैशाली जिले के राघोपुर प्रखंड की रहने वाली मधु को डीडी मध्य प्रदेश के मशहूर धारावाहिक में मुख्य रोल निभाने का मौका मिला है। हालांकि मधु का सपना बॉलीवुड में जाने का है। इतना ही नहीं, मधु को इस धारावाहिक में जगह मिलने से पहले साल 2017 में राज्य स्तरीय फैशन शो में मिस बिहार का टाइटल भी मिल चुका है, जिसके बाद से मधु ने जगह जगह काम की खोज में ऑडिशन देने का सिलसिला शुरू किया था, जिसके परिणाम स्वरूप मधु को मध्य प्रदेश के एक चैनल के लिए काम करने का मौका मिला। अब चले बढ़ते मौसम की खबरों की ओर। ठंड से अभी भी लोगों को राहत नहीं मिली है, ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में धूप निकलने के कारण ठंड से राहत मिलेगी, मगर बादल छाने के कारण कुछ जगहों पर बारिश होने के भी आसार है। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में दिन भर धूप निकलने की संभावना है, मगर कुछ जगहों पर बादल के कारण ठंड में इजाफा हो सकता है।
लालू यादव से मिलने पहुंचे जदयू एमएलसी जावेद इकबाल के राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद सियासी गलियारे में बयानों का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके बाद से यह कयास लगाए जाने लगे हैं कि शायद मोहम्मद जावेद इकबाल अब जदयू को छोड़कर राजद का हाथ थामने वाले। हालांकि मुलाकात के बाद जावेद इकबाल ने कहा है कि भले ही मैं पहले राजद का सदस्य था, मगर अभी मैं रिम्स केवल लालू प्रसाद यादव का हालचाल पूछने गया था। मेरी इस मुलाकात का कोई और मतलब ना निकाला जाए। 10 फरवरी को मनाई जाएगी ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी। फिल्मी जगत में ऑस्कर अवार्ड को सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड माना जाता है। ऑस्कर की सूची में अपना नाम देखने के लिए फिल्म मेकर्स दिन रात काफी मेहनत करते हैं। हर साल की भांति इस साल भी हर किसी को इस अवार्ड को जीतने वालों की सूची देखने का बेसब्री से इंतजार है, जिसका लाइव प्रसारण आप 10 फरवरी को देख सकते हैं। भारतीय टाइमिंग के अनुसार यह कार्यक्रम सुबह 6:30 बजे से शुरू होने वाला है। गूगल अब ऑटो से लेकर मेट्रो तक की देगी जानकारी। भारत में अधिकतर वाहन चालकों का सहारा गूगल मैप अब ऑटो चालक और मेट्रो तक के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा बनेगा। लेटेस्ट अपडेट के बाद गूगल ने 15 साल बाद इस नए फीचर को लॉन्च करने का ऐलान किया है, जिससे कि अब आम नागरिकों को किसी भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाएगी। रविवार को आमने सामने होंगे अंडर 19 क्रिकेट के दोनों फाइनलिस्ट। कल जहां एक ओर भारत और न्यूजीलैंड के बीच शानदार मैच देखने को मिला, वहीं दूसरी ओर आज अंडर 19 क्रिकेट के खिलाड़ी आखिरी दाव खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे। साउथ अफ्रीका में चल रहे अंडर 19 वर्ल्ड कप में आज पहली बार भारत और बांग्लादेश की टीम आमने सामने होगी, जहां एक ओर भारतीय टीम के बल्लेबाज इस विश्व कप के खिताब को जीतकर 5वीं बार इतिहास कायम करना चाहेंगे, वहीं पहली बार फिनाले में पहुंचेगी बांग्लादेश खिलाड़ी को इतिहास रचने की पुरजोर कोशिश करेंगे। बिहार में 15.35 नए वोटर का हुआ जुड़ाव। इस साल 243 सीट पर होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। इसी क्रम में इस साल के वोटरों की सूची भी आ गई है, जिसमें इस साल 15.35 लाख नए वोटरों का जुड़ाव हुआ है, जिसके पश्चात अब बिहार में कुल मिलाकर 7,18,22,450 मतदाता हो गए हैं। वहीं आपको बता दें, जारी किए गए इस नए मतदाताओं की संख्या में लगभग 8 लाख की संख्या में 18 से 19 वर्ष के युवा मतदाता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा उनमें है पिकेंद्र कुमार गुप्ता, गुरु शरण कुमार, युवराज अजय कुमार, जितेंद्र यादव, सोनू कुमार, बबलू यादव, शुभम ठाकुर, उपेंद्र कुमार, मोहम्मद आसिम, अनुराग सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप सब हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, बिहार में लोगों को बैंकों से लोन लेने के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।